नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। यूपी की सियासत में ये पहली बार होगा जब लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकांश बाहुबली सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। जी हाँ, यूपी विधानसभा में दिए सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान की क्लिप अक्सर सोशल मीडिया पर दिख जाती है, लेकिन दो दिन पहले हुए राज्यसभा चुनाव के बाद बहुत कुछ बदला सा लग रहा है। कुछ माफिया या बाहुबली जो मिट्टी में मिलने की कगार पर थे, उनकी जमीन फिर मजबूत हो गई है। राज्यसभा चुनाव और उसके बाद के जोड़ तोड़ ने यूपी के नौ बाहुबलियों को संजीवनी दे दी है। 2022 के बाद सियासी पर्दे से गायब ये बाहुबली लोकसभा चुनाव में अब दम दिखाने को बेताब हैं। इनमें अधिकांश बाहुबली पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के हैं। इन बाहुबलियों का अगर सिक्का चलता है तो यूपी की कम से कम 12 लोकसभा सीटों का समीकरण उलट पलट सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इतना ही नहीं, यूपी की सियासत में यह पहली बार होगा जब लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के अधिकांश बाहुबली सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। इस स्पेशल स्टोरी में यूपी में फीनिक्स की तरह उभरे इन बाहुबलियों की कहानी को विस्तार से समझते हैं। पहला नाम आता है अफजाल अंसारी। पूर्वांचल की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। अफजाल पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। अफजाल गैंगस्टर एक्ट में दोषी भी पाए जा चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की वजह से वो चुनावी मैदान में हैं। अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी की गिनती यूपी के बड़े बाहुबलियों में होती है। कोर्ट से सजा पा चुके मुख्तार अभी जेल में बंद हैं। बात अगर अफजाल की करें तो उनके खिलाफ भी कई गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज है। 2019 के चुनाव में अफजाल ने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को हराया था। गाजीपुर में अंसारी का पल्ला भारी माना जा रहा है। इसकी दो अहम वजह हैं। पहला, सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ एक तरफा जीत हासिल की थी, और दूसरा कि यहाँ अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय का समीकरण सपा के पक्ष में है। दूसरा नाम आता है बृजेश सिंह का। गाजीपुर से बाहुबली बृजेश सिंह के भी लड़ने की चर्चा है। बृजेश सिंह के सुबह सपा के टिकट पर लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है कि एनडीए के भीतर यह सीट किसके खाते में जाएगी। बृजेश सिंह की पत्नी वर्तमान में वाराणसी सीट से विधान परिषद में सदस्य हैं। बृजेश को मुख्तार का कट्टर सियासी दुश्मन माना जाता है। बृजेश चुनाव लड़ते हैं तो गाजीपुर सीट का सियासी समीकरण नए सिरे से तय होगा। तीसरा नाम आता है अभय सिंह का। गोसाईगंज से सपा विधायक और बाहुबली नेता अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में पाला बदल लिया है। 9 मुकदमा झेल रहे सिंह अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। अभय सिंह जिस विधानसभा से आते हैं वो अंबेडकर नगर लोकसभा में पड़ता है। बीजेपी 2019 और 2022 में अंबेडकर नगर में बुरी तरह हारी थी। सपा ने इस बार लालजी वर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। बात अगर अभय सिंह की करें तो अभय सिंह को यूपी में कभी मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। 2012 में मुलायम सिंह यादव ने अभय को जेल में ही टिकट दे दिया। अभय चुनाव जीतने में कामयाब रहे और पहली बार विधायक बनकर सदन पहुंचे। 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद अभय सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। हालांकि हालिया राज्यसभा चुनाव ने अभय की राजनीति को फिर से संजीवनी देने का काम किया है। चौथा नाम आता है राजा भैया का। राज्यसभा चुनाव ने बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को भी संजीवनी देने का काम किया है। रघुराज सिंह को संजीवनी मिलने की दो बड़ी वजह है। पहला, राजा भैया की पार्टी के पास वर्तमान में दो विधायक हैं, और दूसरा, चुनाव से पहले भाजपा और सपा के प्रदेश अध्यक्ष राजा भैया से उनके निवास पर मिलने पहुंचे। राजा भैया पर कुंडा थाने में हत्या के प्रयास और सीएलए एक्ट में मुकदमा दर्ज है। राजा भैया पोटा कानून के तहत जेल की सजा भी काट चुके हैं। राजा भैया के फिर से मजबूती से राजनीतिक परिदृश्य में आने से कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा का समीकरण बिगड़ सकता है। पिछले चुनाव में राजा भैया की वजह से ही सपा को नुकसान पहुंचा था। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 में कौशाम्बी में भाजपा के विनोद सोनकर को 3.83 लाख, सपा के इंद्रजीत सरोज को 3.44 लाख और जनसत्ता दल के शैलेन को 1.56 लाख वोट मिले थे। प्रतापगढ़ लोकसभा में भी जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप को 46,000 वोट मिले थे।
पांचवा नाम आता है धनंजय सिंह का। जेडीयू के एनडीए में आने के बाद जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी सियासी तौर पर एक्टिव हो गए हैं। 2022 चुनाव के बाद धनंजय सियासत में साइडलाइन हो गए थे। धनंजय सिंह की गिनती पूर्वांचल के बड़े बाहुबली नेता के रूप में होती है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक धनंजय सिंह के खिलाफ 10 FIR रजिस्टर्ड है। यह मुकदमा दिल्ली से लेकर लखनऊ और जौनपुर तक दर्ज है। 2022 में धनंजय द्वारा फाइल एफिडेविट की माने तो उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। सियासी मजबूती की बात करें तो जौनपुर सीट पर धनंजय सिंह की मजबूत पकड़ है। वो 2009 में यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। 2022 में मल्हनी विधानसभा से धनंजय को 79,000 वोट मिले थे। अगला नाम आता है तिवारी परिवार का। लोकसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय की एक कार्रवाई से पूर्वांचल के तिवारी परिवार को फिर से सियासी संजीवनी मिल गई है। तिवारी परिवार यानी हरशंकर तिवारी का परिवार। हरशंकर तिवारी परिवार से वर्तमान में उनके बेटे भीम शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी राजनीति में सक्रिय हैं। तिवारी परिवार का पूर्वांचल के बांसगांव, गोरखपुर और संत कबीर नगर सीट पर दबदबा है। ये तीनों सीट वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। तिवारी परिवार से उनके बड़े बेटे भीम शंकर के संत कबीर नगर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। हरशंकर तिवारी पहले बाहुली नेता थे जो सत्ता में के शीर्ष पर पहुंचे। उन्होंने अपने रहते हुए बेटे भीम शंकर को सांसद और विनय को विधायक बनवाया। गोरखपुर में तिवारी परिवार का हाथा भी काफी मशहूर है। अगला नाम आता है राकेश प्रताप सिंह। हालिया राज्यसभा चुनाव में सपा के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बगावत की थी। चुनाव के दौरान राकेश ने बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया था। राकेश अमेठी जिले से आते हैं और इनकी गिनती इलाके के बाहुबली नेता के रूप में होती है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राकेश पर 2022 के चुनाव तक 4 FIR दर्ज है। ये मुकदमा सुल्तानपुर और अमेठी के अलग अलग थानों में दर्ज है। IPC की धारा 153, 506, 353 और 143 की धाराओं में ये केस दर्ज है। राकेश के भाजपा में आने से अमेठी का सियासी समीकरण बदल जाएगा। यह सीट अभी भाजपा के पास है, लेकिन कांग्रेस से गांधी परिवार के किसी सदस्य के लड़ने की बात यहाँ कही जा रही है। अगला नाम आता है गायत्री प्रजापति। जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को भी राज्यसभा चुनाव ने संजीवनी दे दी है। गायत्री की पत्नी महाराजी प्रजापति अमेठी से सपा विधायक हैं, जिसने भाजपा को समर्थन देने के लिए राज्यसभा चुनाव के दिन सेंट हो गई थी। गायत्री प्रजापति पर गैंगस्टर, रेप, उत्पीड़न जैसे कई गंभीर आरोप हैं। कई मामलों में उन्हें सजा भी मिल चुकी है। गायत्री के राजनीतिक उद्धव को अमेठी के सियासी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेठी में कुम्हार वोटरों का दबदबा है और इसी को साधने के लिए सपा ने 2022 में गायत्री की पत्नी को टिकट दिया था। आखिरी नाम आता है राजकिशोर सिंह का। बस्ती के बाहुबली नेता पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह भी लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में एक्टिव हो गए हैं। राजकिशोर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं। 2024 के चुनाव में राजकिशोर की नजर बस्ती और सोनभद्र सीट पर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजकिशोर सिंह को बस्ती के हरैया सीट पर करीब 55,000 वोट मिले थे। बस्ती सीट पर अभी भाजपा का कब्जा है और हरीश द्विवेदी यहां से सांसद हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत कुछ इन बाहुबलियों पर भी निर्भर करेगा। अब कौन सी पार्टी किस बाहुबली को टिकट देती है, किसका साथ लेती है, ये तो भविष्य के गर्त में है। धन्यवाद।